बाद में कंस ने आवाज लगाई, अपने भाइयों को पकड़ो, उसको कहीं जाने ना पाए। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया, बोले हाँ, कहा इसके भाइयों को तो हम देख लेंगे, मामा जी को तुम संभालो। गोविंद ने दौड़े एकदम छलांग लगाई और रंग मंच पर आए जहां कंस बैठा हुआ था। कंस उनको देखते ही भयभीत होकर के रथ से सिंहासन से कूद पड़ा, मुकुट उसका कहीं गिरा और गोविंद भी उसके नीचे ही कूद पड़े भागे। तार से था सुत्रम, जैसे कि नाग के पीछे गरुड़ दौड़ते हैं, ऐसे भगवान ऐसे हाथ पकड़ने के लिए दौड़ा रहे थे और उनकी पीतांबरी ऐसे ऐसे लहरा रही थी, बिल्कुल गरुड़ की तरह लग रहे थे भगवान। रंगभूमि में से भागते हुए कंस की चोटी को पीछे से गोविंद ने पकड़ लिया। प्रगई है कैसे सु चलत किरीटम निपात रंगो परि तुंग मंचात। और गोविंद कंस की चोटी को पकड़ करके रंग मंच पर वैसे ही लाए जैसे कि कोई बोरा घसीट करके ले जाता है। रो रहा है, चिल्ला रहा है भगवान कंस को घसीट करके रंगमंच पर, और कहा मामा जी अगर मैं तुम्हें चाहता ना तो मैं वहीं पर मार देता जहां मैंने तुम्हारी चोटी पकड़ी थी, लेकिन ये पब्लिक को मालूम कैसे होता कि तुम पापी हो। चोटी को पकड़ा गोविंद ने, जोर से चोटी को पकड़ी, प्रगई है कैसे सु चलत किरीटम, ऐसे ऐसे हिला रहे। कंस कह रहा है मुझे छोड़ दो, तो मेरे भांजे हो, हाँ मैं जानता हूं मैंने गलती की है, तुम्हारे माता पिता अभी हम जाकर के जेल से खोल देते हैं, मुझे छोड़ दो ना, तुम मेरे ही हो ना, मेरी बहन के बेटे हो तुम। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, कहा मामा जी तुम मेरे माँ बाप को तो छोड़ दोगे, लेकिन मेरी माँ बाप की जो सारी जवानी तुमने जेल के अंदर में व्यतीत करवाई है, क्या तुम हमारे माँ बाप की जवानी लौटा करके दोगे? क्या गलती थी? रे कंस तू भूल गया है, ये तेरा जो रंगमंच बना हुआ है इसी जगह पहले एक सड़क हुआ करती थी, इसी जगह पर तूने मेरी मां को गिराया था। मेरी मां तुझे हाथ जोड़ करके मना रही थी, भैया कह रही थी कि मैंने राखी बंधन तुझे बांधी है, तूने मेरी मां की फरियाद को सुना था क्या? तू भूल गया है कंस कि आज तुम जो दूसरे के साथ में बुरा कर रहे हो, दुनिया गोल है, जो तुम दूसरे के साथ में अत्याचार कर रहे हो, अगर तुम अपने माता पिता को रुला रहे हो तो ध्यान रखना तुम्हारे बेटे भी तुम्हें रुलाने के लिए तैयार रहेंगे। तुम जो सुख जो आनंद अपने लिए चाहते हो अपने बुजुर्गों के साथ में करो तो आने वाली परंपरा भी तुम्हारे साथ में करेगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी मां इसी जगह चिल्ला रही थी, लेकिन तुझे दया नहीं आई और मेरी मां को यहां से अरेस्ट करा के जेल भेजा था। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया, एक मुक्का मारा तो सीधे मंच से नीचे गिरा और गोविंद उसके ऊपर कूद पड़े और उसका हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। भगवान ने नहीं मारा, वो खुद ही मर गया। खला वेहं सते स्वयं, पापी अपने पाप से खुद ही मर जाते हैं। आकाश में धुंधुवियां बजी, चारों वेदों ने मंत्रोच्चारण करके गोविंद का स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति न हिंदो वृषभा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारक्षो हरिश्चनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतये ददातु। माताओं ने मंगल गीत गाए और भक्तों ने कीर्तन किया। मेरे सांवरे सलोनी कन्हैया, तेरा जलवा का जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
बालों ने तुझको सुना, ओ आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तेरा जलवा, तेरा जलवा उसी ने है देखा, जिसकी आंखों पर तेरा जलवा
आतिश आया अरु पागल मुझे बनाया। हो तेरी बंसी ने बहुत सताया अरु पागल मुझे बनाया। तेरी बंसी ने बहुत सताया अरु पागल मुझे बनाया। हो तेरी बंसी ने बहुत सताया अरु पागल मुझे बनाया। लोग कहते सुंदर कंस को वहीं पर पड़ा छोड़ करके भीड़ के बीच से अदृश्य हो गए। लोगों ने नंद बाबा ने कहा मेरे गोविंद कहाँ गए, बलराम कहाँ गए, लेकिन श्री कृष्ण बलराम दौड़े दौड़े सीधे जेल में गए और सबसे पहले उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को जेल की हथकड़ियों को उन्होंने खुद अपने हाथों से तोड़ा है, खत्म किया है। और उग्रसेन ने रोते रोते कहा कि मेरी बेटी देव की यहां से आगे बसदेव जी भी है। श्री कृष्ण ने रोते हुए अपने माता पिता को मातरम पितरम चैवा मोचयित्वाति बंधनम कृष्ण रामो भवन्दाते शिरसा स्पर्श पादयो। रोती हुई मैया देवकी के जेल के बंधनों को उन्होंने खोला है। और एक बड़ी सुंदर बात श्री कृष्ण ने यहां पर कही है, वो आप सब लोग सुन लीजिए। इस कथा का जो संदेश है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इन लोगों का सम्मान नहीं करते वो जिंदा मुर्दा हैं। कौन कौन लोग? कि मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साधीम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो बिभ्रत श्वसन मृता। जो इन आठ लोगों का सम्मान नहीं करते वो जिंदा ही मरता है। कौन कौन? इनको ध्यान से सुन लो। जो अपने माता को अपने पिता का माता पिता का जो आदर नहीं करते, दो लोग मातरम पितरम वृद्धम, और जो अपने घर में जो भी वृद्ध हो, पिताजी के पिताजी या जो भी समाज में कोई भी वृद्ध हो, मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साधीम, ऐसी भार्या जो पतिव्रता नारी हो और फिर उसके साथ में अच्छा सम्मान व्यवहार नहीं करते हैं, उसका नाश हो जाता है। भार्याम साधीम सुतम शिशुम, छोटा बच्चा रो रहा है और आप अपने मस्त हो किसी दूसरे बिजनेस में काम में, तो कहते हैं वो नष्ट हो जाता है। भार्याम साधीम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम, गुरु का जो तुम्हारा सदगुरु हो, और विप्र मानी ब्राह्मण, और प्रपन्नम चा जो आपकी शरणागति आ गया हो, कल्पो विव्रचो जो इनका सम्मान नहीं करते वो जीते जी मुर्दा है। गुरुम विप्रम प्रपन्नम चा कल्पो विव्रचो सुनमृता। उसके बाद वसुदेव जी महाराज ने बड़े धूमधाम के साथ में लाला की शोभा यात्रा निकाली है, यज्ञोपवीत संस्कार कराया है और फिर अग्रसेन जी महाराज को राजा बनाया गया। श्री कृष्ण और बलराम को पढ़ने के लिए उज्जैन भेजा है। उज्जैन में जाकर के उनका एक मित्र बना है सुदामा, जो पूरी भागवत की कथा का सार है वो सुदामा के चरित्र में है। ये आपको कल सुनाया जाएगा, कल कथा का समापन भी है। अभी रुक्मिणी का विवाह होगा, बड़ी धूमधाम से आप शादी देखेंगे अभी श्री कृष्ण जी की। तो कल जो है कथा का समापन होगा, और कहते हैं कि जो अगर पहले दिनों में ना आ पाए हो तो समापन के दिन की कथा में जो आ जाते हैं तो उन्हें पूरी कथा का फल मिल जाता है, लेकिन शुरू में आने पर मिलता है। हाँ, आप कहेंगे महाराज ये बात आपने पहले दिन क्यों नहीं कही थी, तो आप सब समझदार हो, हमने पहले दिन क्यों नहीं कही। वैसे एक बात बताएं, हमारा जो कानपुर देहात जो 84 गांव कहलाते हैं ना, भगवान की भक्ति है इनके अंतःकरण में।
मैं तो जब साधु बन गया तो बस एक रात आकर के रुक करके चला जाता था, और मैंने इस तरफ कथाएं ही नहीं की, क्योंकि जन्मभूमि तरफ ज्यादा जाना नहीं चाहिए साधु को। कहते हैं कि जन्मभूमि में साधु को क्यों नहीं जाना चाहिए, कहा तुलसीदास जी लिखा है, बोले तुलसी तहां न जाइए जहां जन्म को उठाओ और जान मानो पहचान के धरती पाछिलो नाम जान। अरे भैया ये तो वो ये पुराना पप्पू नहीं था, वही वाला तो लड़का है, लेकिन हमारा कोई नहीं बता सकता पुराना नाम, क्योंकि हम ज्यादा गांव गए ही नहीं, इसलिए वो तो अब कथा वो औंथा वालों ने शुरू करवा दी। इसलिए फिर हमारा सम्मान हमारा जन्मभूमि वालों ने ही पहले दिया, बड़े धूमधाम के साथ, नहीं तो अपने गांव के साधु को लोग साधु ही नहीं समझते। पर इस मामले में हमारे गांव ग्राम औंता ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा कि ये बात गलत है कि अच्छा आदमी अगर अपना ही हो तो क्यों नहीं उसका सम्मान किया जाना चाहिए। आज भी सब लोगों ने सम्मान किया।